अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले इसका स्टिच चिपकाने के लिए दिखाया था आपको, अभी इसको स्टिचिंग करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका सामना पल्ला बनाएंगे, वालिक पैकेट। जो मैं मार्क उठाया था वो मिट गई है, स्टिप चिपकाने चिपका रहा था उस टाइम मार्क लगाया था, मिट गई। ये यहाँ पे है, इतना मार्क रहेगा, हम यहाँ पे सिलाई लेंगे, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर सिलाई उठाएंगे। ये देखिए, एक मैं इस ये जो मैंने यहाँ पे सिलाई मारा है तो इसके सामने मैं नहीं मारा हूँ, इसके अंदर मारा हूँ, थोड़ा अंदर ले लिया, एक पॉइंट अंदर ले लेना है ताकि ये क्रॉस होगी ना तो इससे ढक जाए, ये बाहर ना दिखे। अब इसको हम कट कर लेंगे। दोनों का जर में चक्का मारना है हमको। दोनों कपड़ा को अंदर डाल देना अच्छा से। इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको मार के लगा लेंगे, इतना कट कर लेंगे। इसको अंदर पलटी कर लेंगे। ऊपर किनारी सिलाई मारेंगे, कच्चा सिलाई रहेगा।
कच्चा सिलाई मार लेंगे। इसको एक पैकेट को चीर लेंगे अच्छा से, और इस जहाँ पे हमने किनारे का सिलाई मारा है वहीं पे हम सिलाई मारेंगे। इसको भी हम इसको ऐसे उठा लेंगे, इसके जड़ में सिलाई मारेंगे। अब ऊपर का सिलाई कच्चा जो पहले से मारे हैं उसको खोल लेंगे। ये कपड़ा को दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये वाली पैकेट बन गया, अब बंद पैकेट बनाएंगे। एक दाब का मार्जिन लेंगे, एक दाब से थोड़ा कम रहेगा। इसको पलट करके देख लेंगे कि एक जैसा सिलाई है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, नाखून मार के चिरवा कर लेंगे। इसको दोनों पल्ला को नाखून मार के अच्छे से चिरवा कर लेंगे। और इसको एक दाब से थोड़ा कम रहेगा, इसका बोन निकालेंगे। सिलाई इसके जर में मारेंगे, सिलाई ऊपर नहीं दिखना चाहिए। देखिए सिलाई कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जर में रहेगी। ये दोनों तरह का बोन हो गया, अब इसको हम बीच से कट कर लेंगे। ये दोनों पल्ला को हम ऐसे कर लेंगे। इसको
120 से हम कट करेंगे। वैसे चाहिए इसके जड़ तक कट करेंगे, इसको पलटी मार लेते हैं पहले। इसके जड़ में सिलाई मारना है। इसको अच्छा से खींच लेंगे तो फिर इसको इस्त्री मारेंगे। देखिए बॉल पैकेट हो गया, वॉलेट पैकेट हो गई, अब सामने का पट्टी बन गई है। 15 इंच का मार्क लगाएंगे, ये 15 इंच में अंदर का पैकेट रहेगा। अंदर का पैकेट रहेगा 5 इंच रहेगा। तो यहाँ से फट करेंगे,
जो सामना पल्ला है उसको ऊपर रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तीसरा पार्ट दूसरी वीडियो में बताऊंगा।